तो हेलो गाइस, राम राम जी। माय नेम इज आरबी और आप देख रहे हैं आरबी गेमिंग चैनल। तो दोस्तों, आज फिर से हम खेलने आए हैं माइनक्राफ्ट। और हम एक जो है, आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि हम एक टापू पे आके फंस गए। हमारा जहाज क्रैश हो गया था और हम एक टापू पे फंस गए और यहाँ पर हम सर्वाइव कर रहे हैं। और सर्वाइव करते करते हमने एक बेस तैयार किया जिसके अंदर हमें गुफा मिली और गुफा के अंदर ही हमने अब अपने लिए कुछ खाने पीने के लिए जो है भाई सब्जियाँ उगा दी हैं। और भाई उसके साथ ही सब्जियाँ उगाने के साथ साथ ही हमने अपने लिए जो है थोड़ा से सामान भी तैयार किया है यहाँ पर। और एक हमने जो है भाई वाटर स्ट्रेनर बना दिया जिससे हमें भाई सामान मिलने लगा है। क्योंकि ये वाटर स्ट्रेनर काम क्या करता है कि भाई ये पानी से जो है ना, जो भी चीज़ें पानी के अंदर से मिल सकती हैं उसको ये छाड़ता है और हमें देता है। और एक हमने यहाँ पर अपने लिए एक्सपी के लिए बनाया था ये वाला सिस्टम कल, जिससे कि हमारे देखिए 119 अभी हमारे एक्सपी है और हमारे को कल यहाँ पर भाई काफ़ी जो है सामान भी मिला और हमें एक्सपी मिली, जिससे कि हम भाई सर्वाइव कर पा रहे थे। देखिए जैसे कि ये सामान हमारे को मिला और ये जैसे जैसे बंदे आएंगे हम इनको मारेंगे और हमें एक्सपी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों, और कुछ सामान भी हमें मिलेगा यहाँ से। तो फाइनली दोस्तों कल ये एचपी बनाई थी और जिसके सहारे मैंने कुछ टूल भी अपने जो है रिपेयर कर लिए थे। और हमने एक जो है गन का टेबल भी बनाया था भाई, जिससे हम गन वगैरह और बम्स वगैरह भी बना सकते हैं अब इजीली। जैसे कि इस टेबल से हमने एक भाई एक जो है गन बनाई थी अपने लिए भाई सॉलिड, ये देखिए। और इसके जो है एमओ भी हमने इसी से क्राफ्ट की थी। और उसके बाद में हमने भाई सोचा कि यार अब हमारे पास गन वगैरह है तो हम थोड़ा सा हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। तो हम यहाँ से एक ऊपर का एक रास्ता सीधा बनाया जहाँ से हम ऊपर आए और हमने यहाँ पर भी भाई कुछ एक्सप्लोर किया। बट यहाँ पर हमारा जो सामना था दोस्तों, दो क्रिएचर से हुआ, जो बिग क्रिएचर थे। एक तो जो था फॉक्स की शक्ल में था, भेड़िए की शक्ल में था, और दूसरा जो एक मोटा सा था हैमर लेके, जिसने मेरा ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया था ऊपर का सारा एक ही हैमर में उसने तोड़ दिया था दोस्तों। बट हमने उसको इन दोनों को मार गिराया और फिर से हमने स्ट्रक्चर बना लिया। तो कल तक तो हम यहाँ तक पहुँचे थे दोस्तों। तो अब जल्दी से मैं स्टार्ट करता हूँ ये गेम प्ले, ताकि हम इससे आगे अपनी जर्नी स्टार्ट कर सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का गेम प्ले। फाइनली दोस्तों भाई हम ऊपर तो हैं ही, चलो थोड़ा सा एक मिनट धोते हैं यार, थोड़ा सा सामान और इकट्ठा किया जाए। और बट उससे पहले हाँ रिलोड कर ले भाई, और थोड़ा सा हमें खाना पड़ेगा सामान खाना, ताकि हमारी थोड़ी सी हेल्थ हो जाए। और मैं सोच रहा हूँ गोली को ज़्यादा वेस्ट नहीं किया जाए यार, पर गोली वेस्ट करनी पड़ेगी ना भाई। ये देखो ये साले यहीं पे खड़े हैं, आजा भाई ऊपर आ। और इधर कुछ सामान पड़ा हुआ है और उधर भी सामने कुछ सामान है, तो मैं उसको लेके आ जाऊँ क्या? नहीं 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 नहीं, उससे पहले ही ये साले मुझे धो देंगे। आजा बेटे आजा, कुछ सामान मुझे इधर भी मिला है। मैं जल्दी से जाकर इधर का पहले सामान उठाता हूँ, थोड़ा सा जल्दी से अंदर चलो अंदर चलो। क्रीपर फटना नहीं, फटना नहीं मेरे प्यारे बच्चे, फटना नहीं फटना नहीं। इसको लगाओ पहले। और हमारे को यहाँ पर ओए कौन मार रहा है? क्रीपर बेबी, क्रीपर बेबी फटना नहीं, शाबाश प्यारा बच्चा है तू, मेरा बच्चा है तू। सामान उठाते हैं जल्दी से। और भाई यहाँ पर भी कुछ सामान था ना, इधर कुछ सामान इधर पड़ा हुआ था, हमने यहाँ से भी उठा लिया। और ये क्रीपर फटने वाला है, बट मैं गलत जगह पे हूँ, मुझे नीचे जाना चाहिए जल्दी से। बचा 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 बचा, नहीं तो हमारा फूट जाता भाई सब कुछ। बेटा क्रीपर मर जा साले, मर गया मर गया मर गया मर गया मर गया, जल्दी से बंद करो रास्ता, नहीं तो हमारे को लेने देने पड़ सकते हैं। ठीक है बच्चे, भाई बच्चे आजा बेटे, आजा आजा मेरे प्यारे बेटा, मार के गया है साला, खा लो खा लो खा लो। ठीक है थोड़ा सा सामान और पड़ा है, बट यार मुझे लग रहा है कि साला मैंने ये चीज़ क्यों बनाई थी। हाँ ये चीज़ मैंने इसलिए बनाई थी कि ताकि मैं अब इसको भी बढ़ा सकूँ आगे, तो पहले मुझे यही चीज़ करनी है कि इसके ऊपर कोई ना आ सके। और जल्दी से इसको हम तोड़ते हैं और एक पहले यहाँ पर रख देता हूँ। ठीक है भाई साहब, इसको भी यहाँ रखते हैं, पहले इसको लगाओ। और अब इसको थोड़ा सा यहाँ से हम इस साइड में चलेंगे थोड़ा सा दोस्तों, और एक इधर लगा देना है। ठीक है अच्छा अच्छा, भोसाना बना तू, इधर आ कहाँ है तू, अरे आ जा आ ना साले हड्डी वाले। अबे दोनों साइड से मार रहे हैं ये मुझे, देखो सालों ने लपेट दिया। शर्म नहीं आती, बेशरम कहीं के। आजा 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 आ बेटे, आजा 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 आजा,
रू साले पीछे से वार। ये तो आपस में लड़ रहे थे, मैं क्यों खामा खा अपना तलवार भी खराब किया मैंने। आ जा बेटा। स्टिंग कहाँ रखी है मैंने? स्टिंग इसके अंदर है भाई, स्टिंग कुछ इसके अंदर है। वुल, एक तो वुल बन चुकी है ना, और एक वुल और बन सकती है शायद। मेरी शादी का ख्याल चार बन गई है, अब मैं शायद बेड बना सकता हूँ। फाइनली दोस्तों, फाइनली हमने एक बेड बना लिया है, और हम इस बेड को रखेंगे अपने बेसमेंट के पास, ताकि जहाँ पर हमारे को कोई भी खतरा नहीं हो। भाई साहब, मैं ऐसी जगह पर ही बेड रखना चाहता हूँ, और यहाँ पे हम सोना चाहते हैं। फाइनली आज पहली बार हम सोए हैं, और अब हम जब भी मरेंगे अब यहीं पे पैदा होंगे, यहीं पे पैदा होंगे दोस्तों। एक और हम ये फर्नेस बनाते हैं, और होपर कहाँ है? होपर को यहाँ से निकालते हैं, और एक हम बनाते हैं भाई चेस्ट। अब हमें यहाँ पर ही एक काम करना है, ठीक है? एक इसको यहाँ पे रखते हैं हम, और इसके ऊपर जस्ट एक होपर, और एक लगते हैं फर्नेस। ठीक है दोस्तों, ये काम हमारा हो गया है यहाँ पर, और हम कोल निकालते हैं थोड़ा सा। अब हमें क्या करना है सिर्फ कि हम जो भी सामान इसके अंदर डालेंगे, और बट इसके लिए एक होपर और लगेगा, बट मैं बना लूँगा बाद में। अभी के लिए तो फिलहाल इतना हम चलने देते हैं, ये सही है कि इसमें हम आएंगे सीधा सामान डालेंगे। और यार सामान इसके अंदर जाना चाहिए ना, ये ऑटोमेटिक सिस्टम। मैं सोच रहा हूँ कि एक होपर बना ही लूँ यहाँ पर, और यहाँ पर रखेंगे हम चेस्ट को, ठीक है? और बट चेस्ट के ऊपर भी तो रास्ता थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा, ताकि ये खुल जाए, ठीक है? अब अगर हम पोटैटोस डालेंगे तो हाँ ठीक है, अब काम कर रहा है ये, अब ये काम करने लगा है दोस्तों सही से, ठीक है? अब ये खुलता भी रहेगा। अब बस इतना काम करना था यहाँ पर हमें, और कुछ नहीं करना था बस दोस्तों। अब जो है ना, हमारा जो सामान है वो अपने आप ऑटोमेटिक नीचे बन के निकलता रहेगा, हमें कुछ नहीं करना है। बस इसके अंदर कोल वगैरह दे देंगे तो ठीक होगा। अब जो भी सामान हमें मिलेगा उसको हमें, जो भी हमें करना होगा वो इस चेस्ट में आता रहेगा, ठीक है? पक्के, क्योंकि ये टॉर्च मुझे थोड़ा आयरन और चाहिएगा, तो मैं आयरन लेने जा रहा हूँ दोस्तों थोड़ा सा केव के अंदर। तो फ्रेंड्स, हम केव के अंदर आ गए हैं, और मुझे अब यहाँ पे ना मैं लेके आया हूँ भाई आज तो ये चीज़ें, भाई अब ब्लास्ट करेंगे साला इसके अंदर। रुको, मैं ब्लास्ट ही करना चाहता हूँ थोड़ा सा, वो लगाते हैं यहाँ पर। फट बेटा फट, ठीक है? मुझे आयरन नज़र आ रहा है, देखा भाई साहब, पहली बार में ही फटा और हमें आयरन दे गया। फटो, शाबाश, फाइनली डायमंड मिला भाई। उधर तो नहीं मिला, हम इधर थोड़ा सा आगे बढ़े हैं। देखो 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 सनम, हमें मिला डायमंड सनम। थोड़ा सा रेडस्टोन डस्ट है यहाँ पर, फाइनली मुझे लग रहा है एक और है यहाँ पर, और रेडस्टोन डस्ट है, एक और है भाई। भाई 27 हमारे पास में हो गए हैं। वाह वाह पांडे जी, ये हुआ कुछ बात यार, 27 के करीब तो हमने ले ही लिए हैं, ठीक है काम आएंगे काम चीज, ठीक है निकलते हैं। थोड़ा सा रेडस्टोन यहाँ पर भी है। तो फाइनली दोस्तों, हमने आज बहुत सारा सामान यहाँ पे इकट्ठा कर लिया है, अब हम निकलते हैं अपने घर की तरफ। भाई माइन से हमें 27 तो यहाँ से हमें डायमंड मिल चुके हैं, आयरन ओवर मिला है हमें यहाँ से काफ़ी। तो अब हम निकलते हैं अपने घर की तरफ, थोड़ा सा कोल है यहाँ पर, इसको ले लेते हैं भाई। फाइनली ऊपर आ गए हैं, और हमें यहाँ पर डोर को बंद कर देना है। तो बंद करते हैं, पहले सामान रखते हैं यहाँ पर, और डायमंड मेरा यहाँ पर रखा हुआ था, तो 32 डायमंड्स हो चुके हैं हमारे पास में, ठीक है? मुझे आवाज़ आ रही है, ओए साल ओए भाई आते के साथ ही धो दिया है ये भाई, दो में गया साला, दो तो मांग ही रहे हैं ये लोग, ठीक है? अब इसको छोड़ो, यहाँ पे वुड है, वुड को ले लेते हैं थोड़ी सी भाई, वुड काटनी पड़ेगी। अब हमें इसको घुमाना है, अपने जो ये स्ट्रक्चर है इसको हमें घुमाना है भाई यहाँ से,
ठीक है, सामने मुझे देखिए कुछ दिखाई दे रहा है दोस्तों, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो मुझे उधर ही जाना है। सामने कोई टेंट वगैरह लगा हुआ है। रिलोड, फंस गए हैं साहब। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलता है ये सब। हो डालूंगा बेटा, खाना खा लो भाई। ओ भाई ये क्या चीज है, ये क्या चीज है भाई, देखा आपने, देखा ये उड़ता हुआ क्या आया। टोर्च लगाओ, हमने यहां पे टोर्च नहीं दिए भाई एक भी। इसको मारना भाई, ये क्या चीज है, देखो उड़ रही है जो। तो भाई ये देखो मिला मुझे कुछ, देख रहे हो दोस्तों भाई कितनी सिक्योरिटी लगा के चलना पड़ रहा है मुझे। बस थोड़ा सा दूर और है कैंप हमारा, पहुंच ही गए हम कैंप पे। कैंप को मैं घेर लूं क्या, कैंप का रास्ता, एक मिनट रुको इसको भाई, यहाँ पे हमें ना थोड़ी आज़ादी चाहिए। एक मिनट, हम कैंप को घेरेंगे अब। भाग 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 भाग, खाले 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 खाले, इतना तो काम हो गया दोस्तों। ओ भाई ओ साले क्या बनाऊं, जिंदगी जिंदगी पहले खराब कर दी। ओ भाई अंदर चल, अंदर चल, खाना खा पहले, निकालिए तगड़े वाला मीट निकाल। एक मिनट, क्या मिला मुझे, बुक मिली है कोई, ये क्या भाई, बाय किंग स्टोन 614 ओरिजिनल। हो भाई रुको रुको रुको, इसको रख के आने दो भाई, बुक है ये, कोई मिली है, इम्पोर्टेड बुक है, इसको पढ़ा जा सकता है या नहीं, चाइनाइज चाइनीज में लिखी हुई है ये भाई, हिंदी नहीं आती हमें, चाइनीज नहीं आती हमें, सॉरी। ठीक है हमें ऊपर चलना फिर से, हाँ मार तू ही मार साले। क्या ये इतना हमारा हो गया है भाई साहब, तैयार अब क्या है ना कि साले अब आ जाओ, ये ऊपर भी काम है थोड़ा सा, मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा कि ये लोग यहाँ से आ सकते हैं, चलो तो इनका आने का रास्ता सारा बंद कर दूंगा ना मैं यहां से, कि आएंगे नहीं सालो। आओ अब, ठीक है ठीक है भाई, अब इतना तो हमने बना दिया। कहां से आ रहा है ये, कूदा कूदा कूदा, नहीं कूदा नहीं कूदा नहीं, एक एक अब तो ये लगानी पड़ेगी ना अब मुझे। बेटा तुम्हारा ही बंदोबस्त कर रहा हूँ दोस्तों, मुझे साला एक पूरा बॉर्डर बना दूंगा यहाँ। ठीक है फाइनली इतना काम हो गया भाई, चारों तरफ से हमने इसको घेर दिया है।
भाई इतना तो मैंने बना दिया इसको, अब साला कोई अंदर आएगा नहीं, अब तो नहीं आ सकता है। ठीक है, रात हो गई है, देखो मकड़ी रानी आ गई है, भागो भागो भागो। पहला पर्सन हमारे यहाँ पे मेहमान बन के आया है, ठीक है। अभी और तो कोई नहीं आया है फिलहाल, मकड़ी तो आ सकती है, इसका मतलब मकड़ी से हमें सावधान रहना पड़ेगा। ठीक है गाइस, भाई हमने यहाँ पे ऊपर बेस के लिए कर लिया, थोड़ा दिन होने देते हैं ताकि हमें यहाँ पर कुछ बनाना पड़ेगा भाई अपने लिए। अब मुझे यहाँ पे घर बनाना पड़ेगा भाई, मुझे लग रहा है एक ऊंचा बेस बनाना पड़ेगा इनके लिए, तो सालों का तब ठोका जाएगा भाई ढंग से। और मुझे यहाँ से एक फ्लाईओवर दिख रहा है, पुल दिख रहा है, पुल से मैं पार जा सकता हूँ, उस साइड पे पुल के पार मैं जा सकता हूँ भाई, फाइनली पुल के पार जा सकता हूँ। बट ये दिन में ही जाया जाएगा, मुझे दिन में ही जाना चाहिए क्योंकि रात के अंदर हम सेफ नहीं है यहाँ पर। वो फ्लाईओवर कहाँ से था, यहीं से दिख रहा था मुझे, यहाँ से तो सामने, यहाँ से जाना है मुझे फ्लाईओवर के लिए। फ्लाईओवर तो मेरे सामने ही है जस्ट, और ऊपर एक रास्ता बनाना पड़ेगा फ्लाईओवर के लिए भी। ठीक है भाई, इधर तो हमने बना लिया है प्रॉपर एक रास्ता, ठीक है। अब इधर से तो साला कोई नहीं आए कि मार सकता है, तो इसको भी हम लेके चलेंगे आगे तक, खींचते हुए चलेंगे। ओ भाई, इस साले फ्लाईओवर के नीचे से भी मार सकते हैं क्या? संभल के चलना पड़ेगा साजन, नहीं तो पटक के गिर जाएंगे हम। यही करके चलना पड़ेगा भाई अपने ऊपर। अभी हम सेफ रह सकते हैं, एक मिनट रुको, मुझे ब्रिज बना के लाना पड़ेगा भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, 28 हमने जो बना लिए हैं भाई, देखते हैं अब इनको लगा के भाई क्या। और मैंने ना यहाँ से ना वुड के सैम्पलिंग जो थी मेरे पास वो ले लिया यार, तब कम से कम है ना मैं इसको ऊपर उगा दूंगा। यहाँ पर जो मेरा ये बेस है ना, इस बेस की तरफ है ना, इसको सैम्पलिंग को लगा दिया जाएगा भाई, ताकि साला पेड़ पौधे कुछ तो हमें यहाँ पे मिल जाएंगे ना। देखो कुछ सैम्पलिंग मैं यहाँ पे लगा दूंगा, तो इससे क्या होने वाला है कि हमें कुछ पेड़ पौधे हमारे घर के अंदर ही मिलने लग जाएंगे, तो ठीक हो जाएगा दोस्तों, है ना, ये भी कार्य ठीक हो जाएगा। खाना खा लिया जाए भाई, कुछ ब्रिज में बना के ले आया हूँ, ये देखते हैं कि ये ब्रिज यहाँ पर लग पाएंगे या नहीं। आराम से लगाऊंगा भाई, ठीक है, फाइनली शायद ये लगा है, लग गया है। ये टेढ़े मेढ़े कुछ भी है भाई, पर लग गए हमारे हैं। अभी दिन है, मुझे जल्दी से खींच लेना है इसको, वैसे भी रात होने वाली है, जल्दी पहुंच भाई, नहीं तो हम परवेल निकल जाएंगे। ठीक है, वो मारने लग रहा गोली, मारे जा साले। यहाँ तूफान भी आ गया भाई, मुझे लग रहा बारिश आ रही है तो तूफान आएगा, पक्का आएगा 100%। और तूफान आने से पहले हमें देखो, हाँ भाई यार भी खा ले, रिलोड करियो एक बार, आले रुक जा, आए आ जा, बस इतनी ताकत थी प्रॉपरली, मुझे लग रहा है बारिश स्टार्ट हो गई है। ठीक है, कोई नहीं आएगा भाई, ठीक है, बचे हुए हैं अभी तो, अभी के लिए तो बचे हुए हैं, अब घर के अंदर देखते हैं। और ये मुझे यहाँ पर मिल गई है भाई, मिलेगी नहीं मिलेगी, तो क्या चक्कर है, अच्छा ये रह गया है, ठीक है, फाइनली बस गेट बंद करो, बस भाई गेट बंद कर दो। ठीक है दोस्तों, हम एक घर में आ गए हैं यार, फाइनली हमें एक घर मिला है और उसमें सामान भी है। ये घर तो नहीं उड़ जाएगा भाई, ओ भाई वाटर वगैरह पड़ा हुआ है यहाँ पर, और ये क्या चीज़ है पता नहीं, क्या क्या चीज़ है इसके अंदर, खाने का सामान है इसके अंदर भी, बहुत सारा सामान है भाई, डायनामाइट वगैरह है,
ठीक है, काफी सामान अच्छा है यहाँ पर। तो हम गेट को बंद करेंगे। क्या मैं यहाँ सो सकता हूँ? वेल डन वेल डन वेल डन, सो सकता हूँ भाई, सो सकता हूँ। फाइनली दोस्तों हम नए घर के अंदर आ गए हैं, बट ये ऊपर से खुला तो नहीं है यार। ओ भाई ये पूरा घर ऊपर से खुला हुआ है, ये ऐसा कौन से मॉडल का घर है भाई? ठीक है, इसकी अलमीरा में क्या है? अलमीरा में हाँ हाँ, शाबाश 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 शाबाश, मुझे यही ये लेने आया था मैं, बस यही तो चाहिए मुझे। बंदे हैं, अब बंदों से तो मैं सुलट लूँगा यार, बंदों को तो मैं सुलट लूँगा। अब फाइनली क्या है ना भाई, हम एक अच्छे घर के अंदर हैं। झाड़ू झूड़ू पड़ी है भाई यहाँ, झाड़ू झूड़ू लगाने के लिए। तो फाइनली दोस्तों भाई हम एक घर के अंदर आ गए हैं आज भाई, वाह। बट इसके नीचे भाई, नीचे भी रास्ता जा रखा है, देखो इसके यहाँ से नीचे एक रास्ता जा रखा है। अगर मैं बेड को यहाँ से हटाऊँ तो मुझे ऊपर जाना, देखो नीचे है, नीचे है, नीचे है, और चलना, बस 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 आराम से चलना है। ओ भाई ये देखो मैं कहाँ आ गया। ओ बेटा यहाँ पे कोई जादू टोना चल रहा भाई, ये देखो बंदे पकड़ रखे इनने सालों ने। ये कौन कौन सी बुक है भाई? भाई ये बुक है, ये भी खाली दिखाने के लिए है, सब कुछ साला दिखाने के लिए है। इसके अंदर गोल्डन एप्पल, गोल्डन एप्पल, फाइनली हमें गोल्डन एप्पल भी मिला है, इसको भी लेंगे भाई। अब ब्रिज का क्या करूँगा, ब्रिज भी मैं यहीं रख देता हूँ, ठीक है ब्रिज यहाँ रख देता हूँ, तो मुझे हड्डियाँ मिल जाएंगी इनके। देखो बेचारों के यार हाथ वात सब कुछ टूट गए हैं, क्या हाल मचा दिया है इन्होंने भाई साहब। ठीक है बेड को लगा देते हैं हम वापिस। चलो भैया जी ये फाइनली बेड लगा दिया भाई, इसको कौन टाइम सेट कर दूं, ठीक है फिर से बाहर तो नहीं जाना। अब अपने घर चलते हैं, पहले पहले मैं सारा सामान अपने घर पे रख के आता हूँ भाई। तो गाइस भाई हमने यहाँ पे दो चेस्ट तो रख दिया, अब धीरे धीरे मैं है ना यहाँ पे पूरी स्टोरेज बना दूंगा दोस्तों। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए ना भाई गेम प्ले हम यहीं तक रखते हैं, और फिर मिलते हैं आपको मैं जो है ना अगली वीडियो में, हम यहाँ से आगे चलेंगे क्योंकि हमने देखिए आज बहुत कुछ ढूंढ लिया है। और आज हमने भाई यहाँ पर जो है आपने देख ही लिया कि एक तो यहाँ पे मैं स्टोरेज ले आऊँगा नीचे की तरफ, अपनी सारी स्टोरेज को नीचे ले आऊँगा उतार के। और हमने आज भाई दो काम तो मेन कर लिए हैं आज अपने, एक तो हमने भाई अपना जो है भाई कुछ डायमंड वगैरह भी ढूंढ लिया था आज, और भाई साहब एक हमने यहाँ पर बनाया है अपना जो ऊपर का भी बेस हमने बना लिया है। फाइनली आज़ादी से हम जीत सकते हैं, थोड़ा सा खुले की खुली हवा हम ले सकते हैं, अब कोई हमारे पर रोक टोक नहीं है। हमने यहाँ पर कुछ पेड़ वगैरह भी लगा दिए हैं ताकि ये पेड़ वगैरह हो जाए। और उसके बाद में हमने क्या किया भाई, एक पुरो पर एक पुल हम लेके गए हैं एक नए हाउस की तरफ, नई जगह की तरफ। हमने ये तालाब को पार किया है, नीचे एक तालाब है उसको पार करने के बाद हम एक नए वाले घर के अंदर भाई पहुंच गए हैं दोस्तों। ये देखिए भाई आपको दिखा दूं कि आज हमने ये भी घर ढूंढ निकाला है, और इसके अंदर भाई बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हमने अभी किया नहीं है। और यहाँ से आगे हम नेक्स्ट वाले एपिसोड में मैं चलूँगा दोस्तों। यहाँ पर भी कुछ सामान, बहुत सारा सामान है, पूरी प्रॉपर किचन बनी हुई है, ठीक है एक प्रॉपर किचन मिली हुई है, और एक अच्छा बेहतरीन घर मुझे मिला हुआ है भाई। और यहाँ पर भी कुछ सामान ऊपर भी रखा हुआ देखिएगा, और घड़ी वगैरह भी लगी हुई है, और घड़ी का समय है 9 दिखा रहा है, 9 बज गए हैं भाई, रात के 9 PM हो चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे बेड भी मिला, और इसके नीचे एक कमरा भी दिया है खुफिया, जिसके अंदर तंत्र मंत्र यहाँ चल रहा है। तो दोस्तों भाई इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। तो दोस्तों अगर ये गेम प्ले आपको अच्छा लगा हो तो गेम को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए बाय, राम राम जी।